हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे वहां अच्छे होंगे। तो आरके इंडिया यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी बिहार के स्टूडेंट हैं यानी मैट्रिक पास कर लिए अपने घर पर बेकार बैठे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे कौशल विकास योजना के बारे में। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आप फ्री में कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप मैट्रिक पास कर लिए हैं तो कब से कब इसका स्टार्ट किया जाए। इस योजना का 2022 के बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और स्पेशल बिहार के स्टूडेंट के लिए ये नोटिफिकेशन है। और हम आपको बता दें कि बिहार में इसका कई जगह सेंटर है, अगर आप भी मैट्रिक पास कर लिए हैं तो आपके आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बतलाते हैं। अगर वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए हम वो नोटिफिकेशन दिखलाते हैं और इसमें बतलाते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कितने उम्र के व्यक्ति यहाँ से कर सकते हैं, सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले थे। चलिए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। आपके सामने जो डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, ये देख सकते हैं पूर्व मध्य रेल, जो कि यहाँ से जानकारी दिया गया है पूर्व मध्य रेल। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी डेट आपको यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं 31/12/2021 का। यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया था 31/12/2021 को, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़कर सुनाते हैं और इसमें बतलाते क्या क्या दिखा गया है। यह देख सकते हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास हेतु तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त सूचना, ठीक है, यह जानकारी दिया गया है। अब देख सकते हैं रेल, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2021-22 के आगामी बैच के लिए पूर्व मध्य रेल के 4 नियमित प्रशिक्षण केंद्र पर नियुक्तियों के लिए लघु अवधि 3 सप्ताह के प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है। यानी जो भी प्रशिक्षण आप करेंगे ये 3 सप्ताह की, यानी 7/21 3 सप्ताह हो गया, 7/21 दिनों का प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रेडवार निर्धारित सीटों पर संख्या निम्न होती है, ठीक है, ये होगा 4 जो भी यहाँ से दिखलाया गया। पूर्व मध्य रेल 4 नियमित प्रशिक्षण केंद्र पर नियुक्त, यानी ये प्रशिक्षण केंद्र जो 4 हो गया, देख सकते हैं पहला प्रशिक्षण केंद्र यहाँ से दिखलाई दे रहा है सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर समस्तीपुर, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हेमंत नालंदा में है, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ट्रेनिंग सेंटर दीनदयाल उपाध्याय, ये तीसरा हो गया। सिंगल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर नियर कॉलोनी रोड नंबर 15 दानापुर में, ये चारों ट्रेनिंग सेंटर का नाम है जो कि आपको यहाँ से करना है इस चारों में, ठीक है। उसके बाद ट्रेड का क्या क्या दिया गया आपको यहाँ से हम बतला दें। ट्रेड हो गया फिटर हो गया वेल्डर हो गया मैकेनिस्ट हो गया इलेक्ट्रीशियन वाला इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं यहाँ से हो गया इंस्ट्रक्शन, ये चारों आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। ये टेम्पलेट हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और ये डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूट इन ईच पेज यहाँ से देख सकते हैं 20 लोग चाहिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रक्शन में 25 लोग चाहिए, ठीक है, इतने ही लोग चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपको देना पड़ेगा, जानकारी के रूप में दिया गया। इस प्रशिक्षण हेतु उपयोग ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है, यानी आपके पास ITI नहीं है, ITI कोर्स नहीं किए तो भी आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं ITI प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है फ्रेंड, बताया गया। प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है, परंतु प्रशिक्षण वाले को अपने रहने खाने के आगम आदि का व्यवस्था करनी होगी, यानी प्रशिक्षण निःशुल्क, इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, लेकिन रहना खाना पीना वहाँ पर रहने के लिए आपको रूम और खाना पीना आपको खुद ही करना पड़ेगा, व्यवस्था जो भी करना पड़ेगा। बस ये प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग बोलते हैं इसको आपको फ्री में है, आपको इसके लिए 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद अहत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपको 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। उम्र आपको 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, 18 से और 35 वर्ष के नीचे और 18 वर्ष के ऊपर, यानी बीच में आपका उम्र है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके आवेदन करने के 5/1/2022 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन आवेदन है। यहाँ से आप 5/1 यानी 5 जनवरी 2022 को से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। कहिएगा तो जो भी आवेदन करने का जो प्रक्रिया हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। प्रशिक्षण हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, इच्छुक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवेदन एवं विस्तृत जानकारी शर्तों के लिए वेबसाइट, यहाँ जितने दिया गया वेबसाइट डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है, का अवलोकन करें।
ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको ऑफलाइन माध्यम से कोई सभी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर यहाँ से अगर आपको सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेल कर दिया जाएगा, ये भी जानकारी दीजिएगा, आपको मेल के माध्यम से जानकारी दे देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार का कॉन्टेंट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। ये कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने का। चलिए आज का वीडियो कर देते हैं समाप्त।